हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैट सॉल्युबल विटामिन से स्टार्ट किया था और विटामिन ए डी ई के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद विटामिन बी। तो समझेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन में मैंने आप लोगों को विटामिन सी भी बता दिया था और इसके अलावा ये विटामिन बी में आपके बी कॉम्प्लेक्स हैं। मैंने आपको पहली क्लास में, अगर आपको याद होगा, तो बताया था कि विटामिन बी में दो तरीके के हैं। एक तो B1 से लेके 7 तक, इनको हम लोग बोलते हैं एनर्जी रिलीजिंग विटामिन। और जो B9 और B12 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा ब्लड फॉर्मिंग विटामिन। मतलब ये दोनों विटामिन हमारे ब्लड फॉर्मेशन में यूजफुल होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ से, जो इम्पोर्टेंट हम बात करें, तो इनके जो नेम्स हैं इनको याद रखना है हमको। जैसे B1 को बोलते हैं थायामीन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 इज नियासिन, B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, B6 इज पाइरिडॉक्सिन। तो आप लोग क्या करेंगे, जिनको याद हो जाता है उनके लिए वेल एंड गुड, जिनको याद नहीं होता है तो एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है। आप लोग सिंपल सा याद रखेंगे, जैसे आपने सुना होगा पहले एक सॉन्ग आता था थायो रब्बा करके, है ना, तो वहां से याद रखेंगे थायो रब्बा, थायो से हो जाएगा थायामीन, थायो रब्बा नया पेंट परी ले गई और क्या बोली, बाय बोली, है ना। तो थायो रब्बा, थायो से हो जाएगा थायामीन, रब्बा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, थायो रब्बा नया से हो जाएगा नियासिन। मतलब आपको क्लिक होना चाहिए, आपको टिक लगाना है। नया पेंट, पेंट से हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड, परी से हो जाएगा पाइरिडॉक्सिन, है ना, और बाय से हो जाएगा, परी क्या बोली, बाय, तो बाय से हो जाएगा बायोटिन। तो इस तरीके से आपके B1 से लेके B7 तक आपके विटामिन आपको याद हो जाएंगे। एक सीरीज है जो आप लोग नहीं भूलेंगे इसके। तो B9 और B12 में, B9 को बोलते हैं हम लोग फॉलिक एसिड या फोलेट, और B12 को हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालमिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा B1 से लेके B12 तक के विटामिन के नाम, सबसे पहली चीज। हाँ, इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन पूछे थे, तो पहले मैं उनके आंसर्स आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था विटामिन पी कौन से विटामिन को बोलते हैं, तो उसका बहुत से लोगों ने आंसर दिया है कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। राइट आंसर उसका होगा बाइफ्लेविनोइड्स जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विटामिन पी। और वो बाइफ्लेविनोइड्स जो होते हैं वो आपके लेमन में भी पाया जाता है, खट्टी चीजों में पाया जाता है। तो कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे थे कि वो विटामिन सी को विटामिन पी बोल रहे थे, वो थोड़ा सा गलत है बेटा, क्योंकि विटामिन पी हम लोग बाइफ्लेविनोइड्स को बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, कौन सा विटामिन ऐसा है जो टेरेटोजेनिसिटी कॉज करता है, तो उसमें ध्यान रखेंगे अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग प्रेफरेंस देते हैं विटामिन ए को, क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन इसका डेरिवेटिव है जो आपका टेरेटोजेनिसिटी कॉज करता है। इसलिए प्रेगनेंसी में थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है विटामिन ए की डोज में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। और B1 से B9 तक मैंने आपको नेम बता दिया, बस नेम याद रखेंगे। अगर बहुत इजी क्वेश्चन आता है तो आपका विटामिन का नेम पूछ लेता है बी कॉम्प्लेक्स का। अब आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल, मैंने आपको इसमें टेबल फॉर्म में आपको नोट्स बना के दिए हैं, आपको इसी टेबल को रट लेना है। जो काम की चीज नहीं है मैंने टेबल में इंक्लूड नहीं किया है। विटामिन बी वन को इन्होंने बोला है कौन सा, थायामीन। विटामिन मैंने अभी बताया था थायो, याद ही कर लेना, ट्रिक याद कर लेना, थायो रब्बा नया पेंट परी ले गई बाय, क्या बोली परी, बाय बोली। तो B1 से हो जाएगा थायामीन, और इसी थायामीन को ही हम लोग एक और विटामिन के नाम से जानते हैं, एंटी न्यूरिटिक विटामिन या फिर ए न्यूरिन। देखेंगे, न्यूरिटिक विटामिन से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको खत्म करने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है, B1 है। मतलब ये बोल सकते हैं अगर B1 की डेफिशिएंसी होगी तो हम लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो सकती है। क्लियर हुआ, ए न्यूरिन वही सेम चीज है। अगला यहाँ पर मैंने आपको कॉलम डाला हुआ है को एंजाइम का। मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B1 का को एंजाइम कौन सा है, तो नोट करेंगे थायामीन पाइरोफॉस्फेट। ठीक है, थायामीन पाइरोफॉस्फेट, तो ये हो जाएगा आपका TPP, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कोएंजाइम ऑफ विटामिन B1। रिंग, मेरी बात समझेंगे, रिंग एक बार पेपर में आई हुई है, विटामिन B1 या B2 की पूछी थी, इसलिए मैंने आपको रिंग्स डाल दी हैं। B1 में होती है पाइरिमिडीन रिंग या थायाजोल, पाइरिमिडीन प्लस थायाजोल रिंग, मतलब दोनों रिंग का कॉम्बिनेशन होता है B1 के अंदर। सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है B1 का सोर्स क्या है, तो याद रखेंगे जो सीरियल्स होते हैं, जो हमारे अनाज होता है, गेहूं है, चावल है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन, BRAN, उसकी आउटर कवरिंग में ज्यादा होता है विटामिन बी।
इसीलिए जो गेहूं होता है, राइस की पॉलिशिंग होती है, उसके अंदर पाया जाता है विटामिन बी। व्हाइट ब्रेड में भी B1 अच्छी क्वांटिटी में होता है, नट्स के अंदर भी B1 होता है। होते तो बहुत सारे, मैंने आपको इंपोर्टेंट वाले यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। डेफिशिएंसी, सभी को मालूम है, देखो B1 है पहले नंबर पे है, मतलब इससे होगा बेरी बेरी, बहुत कॉमन डिजीज है। ये दो तरीके की होती है, एक होती है वेट बेरी बेरी और दूसरी होती है ड्राई बेरी बेरी। B1 की बात कर रहे हैं, वेट बेरी बेरी है तो यहाँ पर क्या होगा कि लेग्स ऑफ फेस, यहाँ पर एडिमा मतलब सूजन आ जाती है वेट बेरी बेरी में। जो ड्राई बेरी बेरी है, यहाँ पर स्टार्ट होती है हमारी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंटी न्यूरोटिक विटामिन। क्लियर हुआ, तो डेफिशिएंसी तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इंपोर्टेंट पॉइंट्स की, कौन से की पॉइंट है, तो नोट करेंगे B1 में। देखिए स्टार लगा लेना, वर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, नाइपर में भी 1 से 2 बार की क्वेश्चन आ चुका है कि वर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पे समझेंगे, वहां नोट कर लीजिए, मैं बहुत सारी चीजें आपको केवल की पॉइंट नोट किए हैं, इसकी जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें आपको अपने आप से नोट भी करनी है, ठीक है। तो वर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम का मतलब ये होता है बेटा कि जब भी कभी कोई एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है, तो उसके अंदर क्या होता है कि विटामिन B1 की डिमांड बढ़ जाती है, और उस पेशेंट के अंदर अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो गई तो वो आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, आपको मतलब माइंड से रिलेटेड, आपके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम। पेशेंट को ध्यान नहीं रहता, मतलब जो भी अल्जाइमर की जो मैनिफेस्टेशन होते हैं उस तरीके के कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगला नोट करेंगे एंटी मेटाबोलाइट, इससे ज्यादा बेटर टर्म बोलो तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि B1 का एंटागोनिस्ट कौन सा है, आपको टिक लगाना है पायरीथायामीन पर या फिर ऑक्सीथायामीन। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एक हो गया वर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम और दूसरा हो गया एंटी मेटाबोलाइट, लिख के यहाँ पे आप लिखेंगे एंटागोनिस्ट इसका विटामिन B1 का, ठीक है। एक और पॉइंट है विटामिन B1 जो इसका कोएंजाइम TPPH, TPP का यूज कहाँ पर है, तो देखेंगे जो साइकिल्स होती है जैसे ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, क्रेब साइकिल है, तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं एंजाइम्स आते हैं, तो उस एंजाइम के साइमल्टेनियसली उसके साथ में ही हम लोग इस TPP का यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस साइकिल अगर पढ़ी होगी तो देखिए लिखा हुआ है पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज। एक और जगह एंजाइम यूज होता है हमारा ट्रांस कीटोलेज जो कन्वर्जन होते हैं, तो इनके साथ में हम लोग विटामिन B1 का जो एंजाइम है TPP वो यूज करते हैं। क्रेब साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनाइल कोए जो बनाता है, तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं कौन सा TPP। तो मेरा कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विटामिन B1 का यूज कहाँ होता है, तो एक मेटाबॉलिक फंक्शन में यूज करते हैं और कहाँ कहाँ ग्लाइकोलिसिस साइकिल में और क्रेब साइकिल में। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा सटीक पूछेगा जैसे नाइपर में पूछता है तो वहां पर आपको एंजाइम्स याद रखने हैं, कोई पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज या ट्रांस कीटोलेज के साथ और अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके अलावा कहीं भी आपका TPP का यूज नहीं है, ना ग्लाइकोलिसिस साइकिल में ना क्रेब साइकिल में। तो ये हो गया आपकी विटामिन B1 की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। अब बात करते हैं B2 की, थायोरप्पा। मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रिक बताई है, उसी के साथ चलना है, थायोरप्पा, रप्पा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन। इसका जो कोएंजाइम होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन एडिनोनिन एडिनिन न्यूक्लियोटाइड, FMN और FAD, ठीक है। फ्लेविन बस आपको वर्ड याद रखना, राइबोफ्लेविन से आपने कौन सा वर्ड सिलेक्ट कर लिया, फ्लेविन, बस यही आपके काम में आने वाला है। रिंग की बात करें तो जैसे B1 में थी पायरिमिडीन और थायाजोल का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर होता है आइसो एलोक्साजीन रिंग। सोर्स की बात करें अगर B2 की, तो मिल्क और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे, और इसके अलावा मीट में और एग में अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है विटामिन B2, दैट इज थायमिन, ठीक है। जहां मैंने मिल्क नहीं लिखा तो उसका मतलब ये उस जगह कम क्वांटिटी में होगा, इसलिए नोट डाउन नहीं किया। एक और चीज B2 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो नोट करेंगे स्टार्टिंग ये दो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चिलोसिस। चिलोसिस का मतलब क्या होता है बेटा कि जो हमारे माउथ के कॉर्नर्स होते हैं, माउथ की लाइनिंग है, तो यहाँ पर ना जो कॉर्नर्स पे इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे कटिंग होना स्टार्ट हो जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं चिलोसिस। ग्लॉसाइटिस का मतलब होता है कि जो टंग होती है वो पर्पल कलर की हो जाती है, उसको बोलते हैं ग्लॉसाइटिस। ग्लॉसाइटिस से समझ में आ रहा है टंग से रिलेटेड है। डर्मेटाइटिस मतलब हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन। तो इस तरीके से ये तीनों, चिलोसिस, ग्लॉसाइटिस और डर्मेटाइटिस, इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। एंटागोनिस्ट अगर पूछता है आपको कि B2 का एंटागोनिस्ट कौन सा, देखिए B1 का मैंने बताया था पायरीथायामीन ऑक्सीथायामीन,
और यहाँ पर होगा गैलेक्टोफ्लेविन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं नेपर में। गैलेक्टोफ्लेविन इट इज एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन बी2। बात करते हैं बी3 की। बी3 को हम लोग बोलते हैं नियासिन, इसी को बोलते हैं निकोटिनिक, देखो थायो रब्बा नया, नया मतलब नियासिन, इसी को बोलते हैं निकोटिनिक एसिड, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, पीपी फैक्टर। पेलाग्रा प्रिवेंशन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि इसको लेने से, बी3 को लेने से हमारी बॉडी में पेलाग्रा नाम की जो डिसीज होती है वो अवॉइड हो जाती है, नहीं होती। और ये पीपी फैक्टर जो है, जो पेलाग्रा डिसीज है, एक साइंटिस्ट ने निकाली थी, इसका नाम था बेटा गोल्डबर्गर, ठीक है। ये गोल्डबर्गर जो थे, इनकी मतलब डिस्कवर्ड की हुई डिसीज है पेलाग्रा। इसका अगर कोएंजाइम की बात करें बी3 का, तो वो एनएडी या एनएडीपी है। रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी पाइरिडीन, राइट। बी3 के अंदर कौन सी रिंग होगी, प्रेजेंट होगी पाइरिडीन। सोर्स की बात करें तो नोट करेंगे लेग्यूम्स, नट्स, मीट हमारा अच्छा सोर्स है। पुअर सोर्स की बात करें फ्रूट्स और मिल्क, देखिए मैंने क्लियर नोट डाउन किया है बी3 में मिल्क आपका पुअर सोर्स है। तो मिल्क अभी तक किसमें अच्छा सोर्स आया, केवल बी2 में आया है ना, तो बी3 में मिल्क क्या है आपका पुअर सोर्स है। डेफिशिएंसी की बात करें तो पेलाग्रा की डेफिशिएंसी से 3D आपको याद रखने हैं, एक हो गया डर्मेटाइटिस, एक हो गया डायरिया, एक हो गया डेमेंशिया। डेमेंशिया मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो भूल जाते हैं, कंफ्यूजन रहता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा 3Ds पेलाग्रा। एक और चीज, पेलाग्रा होने के सबसे ज्यादा चांसेस उन लोगों को होते हैं जिनकी स्टेपल डाइट मेज है या कॉर्न। स्टेपल डाइट का मतलब है डेली डाइट, जो मतलब डेली के बेसिस पे मेज खा रहे हैं, कॉर्न खा रहे हैं, मक्का खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको पेलाग्रा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा एक और चीज याद रखेंगे कि जो नियासिन है, निकोटिनिक एसिड है, उसका नेचुरल जो प्रीकर्सर होता है वो ट्रिप्टोफेन होता है। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाला हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ट्रिप्टोफेन इज द नेचुरल प्रीकर्सर ऑफ विटामिन बी3। और उसका जो यूज होता है विटामिन बी3 का, हम कहां कर सकते हैं, इट ट्रीट्स हाइपरलाइपोप्रोटीनेमिया। क्यों? क्योंकि लाइपोलिसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका B1, B2, B3। इस पूरी टेबल को याद कर लेंगे, मैंने पूरा के पूरा सार निचोड़ के आपको दे दिया है एक टेबल में। अब बात आगे करते हैं, B3 के बाद आता है बेटा B5। B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, इसी को बोलते हैं हम लोग चिक डर्मेटाइटिस फैक्टर और फिल्ट्रेट फैक्टर, समझेंगे। यहां पर बहुत कम पॉइंट है B5 के बारे में। इसमें जो हमारा कोएंजाइम है उसका नाम ही है कोएंजाइम A, जैसे ऐसे पढ़ा होगा स्टाइल को A, ए का मतलब यहां पर होता है एसिटाइलेशन। रिंग नाम से पता चल रहा है 5 है तो पेंट आ गया, और पेंटो एक एसिड होगा, लेकिन साथ में एक और चीज प्रेजेंट होती है, इट इज बीटा एलानिन। क्वेश्चन पूछा जाता है पेंटो एक एसिड के साथ क्या, तो बीटा एलानिन। सोर्स एग है, मिल्क है, ईस्ट है। डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है इसकी, गोपालन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था किसके बारे में, कि अगर बी5 की कमी रहेगी बॉडी में तो इट विल कॉज बर्निंग हीट सिंड्रोम, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी5। बात करते हैं आगे B6 की। B6 इज पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सल या पाइरिडॉक्सामिन, लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला टर्म है इट इज पाइरिडॉक्सिन। PLP इसका कोएंजाइम है, और इसका यूज कहां करते हैं नोट करेंगे, इसका यूज होता है ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस में, डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में, डीएमिनेशन, कंडेंसेशन, ट्रांसल्फरेशन। ट्रांसएमिनेशन में भी सिप बेस बनता है, कौन सा बनता है, सिप बेस बनता है, तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा यूज होता है, पाइरिडॉक्सिन एज अ कोएंजाइम या कोफैक्टर यूज होता है। रिंग यहाँ पर स्किप जरूर हो गई है, लेकिन आप लोग अपने हाथों से नोट करेंगे यहाँ पर कौन सी रिंग होगी, यहाँ पर होगी आपकी पाइरिडीन रिंग, नाम से समझ में आ रहा है पाइरिडॉक्सिन, मतलब पाइरिडीन रिंग प्रेजेंट होगी 6 नंबर अलोंग विद नाइट्रोजन एज अ हेट्रोएट। सोर्स हमारा वही फिश, मीट, मिल्क, व्हीट, कॉर्न, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। हाँ, डेफिशिएंसी जरूर याद रखेंगे, पाइरिडॉक्सिन की कमी से होता है बेटा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी में, क्वेश्चन पूछा जाता है पहले तो ये कि कैसे पता चलता है कि अगर B6 की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बॉडी में ज़ैंथ्यूरिनिक एसिड बहुत ज्यादा बन जाएगा, और ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो यूरिन टेस्ट से हम लोग पता कर लेते हैं कि अगर यूरिन टेस्ट में ज़ैंथ्यूरिनिक एसिड की क्वांटिटी ज्यादा आ रही है, इट मींस यू आर हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉल्ड एज विटामिन B6। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कॉज करता है, तो विटामिन B6 कौन कौन से ड्रग के साथ देते हैं फार्माकोलॉजी में, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, सबसे पहला होता है बेटा INH, इसी को बोलते हैं आइसोनियाजाइड, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। सेकंड इज पेनिसिलामीन, पेनिसिलामीन के साथ भी विटामिन B6 देते हैं, डी पेनिसिलामीन है जिस तरीके से, जो हम लोग विल्सन डिसीज में देते हैं। और तीसरा हमारा डॉक्सिल अमीन, ठीक है, तो डॉक्सिल अमीन के साथ भी हम लोग कौन सा देते हैं विटामिन B6 देते हैं, डॉक्सिल अमीन हमारा एंटी इमेटिक ड्रग है, राइट।
आगे बात करते हैं विटामिन B7। B7 को हम लोग बोलते हैं विटामिन एच, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोटिन, इसी को बोलते हैं एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर। इसका कोएंजाइम है बायोसाइटिन, अभी हम एग की बात करेंगे। रिंग हमारी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इमिडाजोल और थायोफिन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। विटामिन B7 के अगर सोर्स की बात करें, विटामिन एच के अगर हम लोग सोर्स की बात करें, तो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है कि जो मैं एग की बात कर रहा था ना, एग से नो डाउट मिलता है, लेकिन अगर आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आएंगे, अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में आएंगे तो देख रहे हैं कि रॉ एग वाइट लेते हैं, मतलब अगर आप 20 से ज्यादा अंडे लेते हैं और उनमें एग वाइट यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पर डे का बता रहा हूं मैं, एक दिन में 20 से ज्यादा रॉ एग लेते हैं तो उसके अंदर से एक प्रोटीन निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एविडिन। और ये एविडिन क्या करता है कि ये बायोटिन से बाइंड हो जाता है, और जैसे ये बायोटिन से बाइंड होता है तो ये बायोटिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, और जैसे बायोटिन का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका बायोटिन के एब्जॉर्प्शन कम होने से डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन एच, ठीक है। डेफिशिएंसी से होता क्या है, अब यहाँ पर होगा लॉस ऑफ एपेटाइट, यहाँ पर होगा लॉस ऑफ एपेटाइट, दूसरा नोजिया और डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस एक बहुत कॉमन है आपका विटामिन एच की कमी से। अगर हम बात करेंगे कि विटामिन एच का सोर्स क्या है, तो नोट करेंगे यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे स्किप हो गई है, मैं फिर वही चीज बोलूंगा, आपको सारे के सारे नोट्स फिर से बनाने हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है सेम चीज कॉपी करनी है। विटामिन एच के अगर हम सोर्स की बात करें तो मीट में भी है, वेजिटेबल में भी है, वेजिटेबल में नोट कर सकते हैं ब्रोकली, स्पिनच, कैबेज, कैरेट्स। फ्रूट्स में आप नोट कर सकते हैं एवोकेडोस, वाटरमेलन, ग्रेप फ्रूट एंड बनाना, ठीक है। ग्रीन्स में आपका ओट्स, ब्राउन राइस, मतलब बहुत ज्यादा कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जो मतलब वो बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में विटामिन एच रखता है, मतलब थोड़ा बहुत विटामिन एच आपका रहता है, तो इस चीज को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। बायोसाइटिन इसका कोएंजाइम है। हाँ, फिर भी अगर आपको नोट करना है सोर्स में तो ये नोट कर लीजिएगा कि मीट, फिश, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मीट, फिश, एग्स और जो बीज होते हैं सीड्स और जो नट्स होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बायोटिन प्रेजेंट रहता है, बाकी कैरेट्स और लेग्यूम्स में होता ही है। तो जो मैंने अभी आपको बोले उन सभी के अंदर सोर्स में आप उसको ऐड कर लेंगे। तो ये हुआ आपका विटामिन एच के बारे में। आगे बात करते हैं B9। देखिए थायोरब्बा, मैं फिर से बोल देता हूँ, थायोरब्बा नया पेंट करी ले गई, क्या बोली, बाय, मतलब बायोटिन तक बात कंप्लीट हो गई। अब आते हैं B9 और B12, देखेंगे ये दोनों ही एंजाइम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही आपके ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड फॉर्मिंग, और इनकी कमी से जो बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एनीमिया, समझेंगे। B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड और B12 को बोलते हैं साइनोकोबालन। को एंजाइम की बात नहीं करते, रिंग की जरूर बात करेंगे। फॉलिक एसिड के अंदर जो रिंग प्रेजेंट होती है टेरिडीन, उसको पटेरिडीन नहीं पढ़ेंगे, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज टेरिडीन रिंग, और इसके साथ में हमारा प्रेजेंट होता है गाबा और ग्लूटामेट, ठीक है। उस तीनों को मिला के बनता है हमारा B9। सोर्स की बात करें तो जितनी भी हरी सब्जियां ग्रीन लीफी वेजिटेबल उनके अंदर B9 होता है। मिल्क इज द पुअर सोर्स, मिल्क में विटामिन B9 बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती। डेफिशिएंसी देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन कई बार आता है कि मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया किस एंजाइम, किस विटामिन की कमी से है, और आपका परनीशियस एनीमिया किस एंजाइम की कमी से है। जो B9 है, B9 में की कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक। देखो सिंपल याद कर लो, B9 पहले आया तो केवल एक होगा मेगालोब्लास्टिक, और B12, देखो यहाँ पे दो टर्म आ गए ना, वन और टू, तो दो से याद रखना, दोनों ही एनीमिया किसकी कमी से होंगे, B12 की कमी से, मतलब B12 की कमी से आपका मेगालोब्लास्टिक भी हो रहा है और B12 की कमी से आपका परनीशियस भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं परनीशियस केवल किसकी कमी से हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, परनीशियस हो रहा है केवल B12 की कमी से, कंफ्यूज नहीं होना है। B12 में दो टर्म आ रहे हैं, वन और टू, इसका मतलब दोनों ही एनीमिया होंगे B12 की कमी से। B9 में केवल एक टर्म आया है 9, इसका मतलब एक एनीमिया होगा, और वो कौन सा है आपका, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो जनरली प्रेग्नेंट फीमेल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल्स में बहुत ज्यादा कमी होती है फॉलिक एसिड की, तो मोस्ट कॉमन है। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया इसलिए बोलते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में RBCs का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ज्यादा बेटर रहेगा वो। की पॉइंट की बात करें, वन कार्बन मेटाबोलिज्म में यूज करते हैं हम लोग फॉलिक एसिड को, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस भी में हेल्पफुल है।
इसके अलावा जो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड जो है वो आपका इसी के तरीके से एक और होता है फॉलिनिक एसिड, जो इसका स्ट्रक्चर है उसके और एक बॉन्ड का डिफरेंस है। फॉलिक एसिड के तरीके से होता है फॉलिनिक एसिड, और जब भी फॉलिनिक एसिड की फॉलिनिक एसिड को दूसरा नाम होता है सिट्रोवरम फैक्टर, और इसको हम लोग यूज करते हैं मेथोट्रेक्सिड पॉइजनिंग। फिर से बोलता हूं, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे आता है कौन सा ड्रग है जो मेथोट्रेक्सिड पॉइजनिंग में दिया जाएगा, तो आपके सामने एक ऑप्शन रहेगा फॉलिक एसिड, एक ऑप्शन रहेगा फॉलिनिक एसिड। तो हमेशा ध्यान रखना टिक किसको लगाना है, फॉलिनिक एसिड, ठीक है, केवल एक बॉन्ड का डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फॉलिनिक एसिड। तो सिट्रोवोरम फैक्टर, इसी को बोलते हैं सिट्रोवोरम फैक्टर। B12 साइनोकोबालामिन रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है, कोरिन रिंग। अच्छा क्वेश्चन मिलता है, साइनोकोबालामिन के अंदर कौन सी रिंग है, कोरिन रिंग, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, इसको बोलते हैं। ये जनरली नॉन वेज में मिलता है, B12 वेज में केवल और केवल एक जगह से मिलता है, लेग्यूम्स के अंदर। लेग्यूम्स का मतलब हो गया जो हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं जो फली होती है ना, फली जैसे बीन्स होती है, तो उसके अंदर मिलता है B12। मैंने अभी बताया था 1-2 टर्म है, मतलब दोनों एनीमिया होगा। और इसका की पॉइंट ये है कि B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है, समझेंगे सीधे पढ़ने से एनीमिया बता रहा हूँ यहाँ से, अगर कभी भी B12 का एब्जॉर्प्शन ना हो पाए तो उसके कारण होता है पर्निशियस एनीमिया। लेकिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता कौन है, वो कराता है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर एक ग्लाइकोप्रोटीन है दैट इज सीक्रेटेड बाय स्टमक, ठीक है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो स्टमक सीक्रेट करता है, और जैसे ही वो स्टमक सीक्रेट करेगा इंट्रिंसिक फैक्टर, तुरंत से बाइंड होकर हमारा पर्निशियस साइनोकोबालामिन एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। और ये कहां से एब्जॉर्ब होता है B12, अगर आपसे पूछा जाए तो B12 का जो एब्जॉर्प्शन साइट होता है वो होता है टर्मिनल इलियम से, जैसे ड्यूडेनम जेजेनम इलियम होता है ना, टर्मिनल इलियम एब्जॉर्प्शन साइट है B12 की, ऐड कर लेंगे इस पॉइंट को। और B9 जो होता है इसका एब्जॉर्प्शन होता है जेजेनम से, कहां से होता है जेजेनम से। ये चीज क्लियर हो गई। एक और चीज, अगर B12 की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में तो थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कहां से कराते हैं, तो इंट्रामस्कुलर रूट से कराते हैं। तो गाइज ये हो गया हमारा पूरा B12 तक इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करा दिया। तो एक बार फिर से देखेंगे, मैं फिर से शॉर्टकट में बता देता हूँ। पहले तो नेम याद रखने हैं, थायो रब्बा नया पेंट परी ले गई पाए, ठीक है, थायो से थायामीन, रब्बा से राइबोफ्लेविन, नया से नियासिन, परी से पेंटोथेनिक एसिड, पेंट से पेंटोथेनिक एसिड, परी से पायरोक्सिन, और बायो से हो जाएगा बायोटिन। यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखने वाला है एंटी एग वाला, क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम 20 एग लगभग अगर एक दिन में खा लेते हैं तो उसके एग वाइट से निकलता है एविडिन, और ये बायोटिन से बाइंड हो जाता है तो उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, ठीक है। एक पॉइंट हमको जैन थ्योरेनिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है जो आ सकता है एग्जाम में, किस किस के साथ दिया जाता है तो सारा इंपॉर्टेंट, पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपको याद रखना है। पाइरोक्सिन कहां यूज करते हैं, TLP कहां यूज होता है, ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस में जहां पर सिट बेस बनता है हमारा, है ना। बर्निंग फिट सिंड्रोम किसके कारण होता है, विटामिन B5 के कारण। तो ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। तो इस तरीके से विटामिन बी आज की क्लास मैंने कंप्लीट किया है, सारे के सारे पॉइंट को आप लोग उतार लें, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन जितना मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ कर रहा हूँ, बाकी डिटेल्ड स्टडी के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कहीं कोचिंग वगैरह के लिए देखना है तो यू कैन डायरेक्टली गो विदाउट एनी कंफ्यूजन टू दिस फार्मासेपियंस, राइट। एवरी ईयर दे आर गिविंग टॉप 10, ये लास्ट ईयर का शायद रिजल्ट है, मैंने कहीं से देखा था और करेक्ट है, तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं और वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके अलावा ये आप लोग तैयार करके रखेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है प्लेन इन्फॉर्मेटिव है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इससे पहले जाते जाते आज के जो दो क्वेश्चन मुझे पूछना है तो उनके आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो डायरेक्टली रिलेटेड है आप लोगों के हेयर की ग्रोथ से। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों को इसमें बताया नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा ऐसा विटामिन है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके हेयर, मुझे भी आते हैं।